Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Avasthi. As we are continuing with the Indian Geography series, this is lecture number 16. तो हमने याद होगा आपको, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द रिवर्स ऑफ इंडिया, वो हमने कंप्लीट कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गोइंग टू द इंडियन मॉनसूनल मैकेनिज्म. ठीक है, तो इंडियन मॉनसून को डिस्कस करेंगे, उसका पार्ट वन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन मॉनसून. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मॉनसून जो है, ये वर्ड जो है, इसमें मौसम एक वर्ड है जहाँ से मॉनसून बना है. तो ये मौसम वर्ड कहाँ से लिया गया, ये आप देख लीजिए. जो मौसम है, इट्स एन अरेबिक वर्ड और इसका मतलब होता है सीजन्स और सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. तो मेन याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. मतलब इंडिया में जो मॉनसून आता है, याद रखिएगा, उसका मतलब है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. मतलब जो विंड्स है उसका रिवर्सल हो रहा है. अब ये कैसे हो रहा है, ये अब कमिंग लेक्चर्स में जो हम बढ़ेंगे आगे, तो हम इस मैकेनिज्म में देखेंगे कि एक्चुअली विंड्स जो रिवर्स करती हैं और इंडिया में मॉनसून लाती हैं, उसके कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाई दिस इज नोन एज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. ठीक है, कुछ बात आपको यहाँ पर याद रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर. ठीक है, कि इंडिया में याद रखिएगा, मॉनसून आपको पता होगा समर के बस जस्ट बाद आता है इंडिया में. ठीक है, दैट इज मॉनसून आता है समर के बाद. ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें मेनली इंडिया में जो मॉनसून है, ठीक है, पूरा अगर मैं वाटर की बात करूँ तो 90% जो रेनफॉल होती है इंडिया में, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. ये आपको नोट डाउन करना है कि 90% जो रेनफॉल है वो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, और ये ध्यान रखिएगा समर के अराउंड आता है. ठीक है, और दूसरा इंडिया में एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स भी पढ़ेंगे अपन. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को भी लाएंगे आगे कमिंग लेक्चर्स में, उसमें भी देखेंगे. ठीक है, एक अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी देखेंगे. तो अपन तीन टाइप के मॉनसूनल इंडिया में देखने वाले हैं. एक है मेजर, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. दूसरा अपन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, और एक और मैं आपको बताऊंगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे ये है क्या चीज़ें. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अपन मेजरली जो मॉनसून है वो है 90% जिससे रेनफॉल होती है, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून, उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहला उसको डिस्कस करने से पहले मैंने लिखा फीचर्स ऑफ इंडियन मॉनसून. इंडियन मॉनसून के कुछ फीचर्स विच आर वेरी यूनिक फीचर्स. ठीक है, कुछ फीचर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो पहला फीचर है सडन ऑनसेट. मतलब इंडिया में मॉनसून एकदम से आता है. ठीक है, सडन ऑनसेट होता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज आपको पता होगा जून के टाइम पर इंडिया में एंटर करता है मॉनसून, सडन ऑनसेट है. फिर जब वो एंटर कर जाता है फिर वो ग्रेजुअली इंडिया में मूव करता है. मतलब इंडिया के पेनिनसुलर या इंडिया के पार्ट में बहुत ग्रेजुअली एडवांस करता है, मूव करता है. ठीक है, और फिर जब वो पूरा मूव कर जाता है देन वापस भी जाता है, तो बहुत ग्रेजुअली रिट्रीट करता है. रिट्रीट मतलब वापस जाना. ठीक है, तो ग्रेजुअली रिट्रीट करता है. तो ध्यान रखिए कुछ फीचर्स हैं, सडन ऑनसेट, ग्रेजुअली एडवांस एंड ग्रेजुअली रिट्रीट. और फोर्थ फीचर क्या है, वेरिएशन. अब मॉनसून में भी अपने इंडिया में बहुत वेरिएशन है. मतलब कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, कहीं रेनफॉल कम हो रहा है. मतलब रीजन वाइज देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, इवन ईयर वाइज भी डिफरेंस होता है. जैसे अपन कहते हैं ना, इस साल बारिश अच्छी हुई, है ना, ये वर्ड यूज करते हैं. मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन द ईयर वाइज ऑल्सो एंड पर्टिकुलर एरिया वाइज ऑल्सो, रीजन वाइज ऑल्सो, कि एक एरिया में ज़्यादा रेनफॉल हो रही, कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, कहीं पर ड्रॉट पड़ा हुआ है, इतनी रेनफॉल नहीं हुई है. तो वी हैव अ वेरिएशन इन आर इंडियन मॉनसून. तो ये कुछ चार बेसिक यूनिक फीचर्स है इंडियन मॉनसून के, जिसको आपको नोट डाउन करना है. ठीक है, अब अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है सबसे पहले द मेजर मॉनसून सिस्टम, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून. ठीक है, अभी साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ कुछ, तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. तो साउथ वेस्ट कुछ ऐसा है, कुछ यहाँ से कोई मॉनसून आ रहा है. ठीक है, कुछ बेसिक वक्त याद रखिएगा, इंडिया अपना ये है, बहुत बेसिक मैप बना रहा हूँ मैं, बहुत एक्सप्लेनेशन देना है इस पर. ठीक है, तो इंडिया में कुछ ऐसा मॉनसून आ रहा है साउथ वेस्ट साइड से. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन मॉनसून. इन फैक्टर्स को सारे तो आज डिस्कस नहीं करेंगे अपन, कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, आगे फैक्टर्स अपन कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ये इंडियन मॉनसून, आप प्लेलिस्ट में जाएँ, ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज है उसमें विकास सर ने पढ़ाया हुआ है, उसमें आप लेक्चर नंबर 10 जरूर देख लें. ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 10 में विंड्स के बारे में बताया है. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर अपन मॉनसून जब पढ़ेंगे, तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 10 जरूर देख लेना आप. ठीक है, उसके मैंने लिंक आपको नीचे अपने बायो इसमें नीचे कमेंट्स उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेल्स में प्रोवाइड कर दिया आपको लिंक, तो आप लिंक क्लिक करके डायरेक्टली लेक्चर 10 देख सकते हैं. लेक्चर 10 का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. ठीक है, स्टिल मैंने तब भी बिना लेक्चर 10 भी अगर आपने नहीं देखा होगा, स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि बिना लेक्चर 10 देखे भी सॉल्व हो जाए आपकी क्वेरीज, बट स्टिल एक बार जरूर उस लेक्चर को देखें. ठीक है, तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंडियन मॉनसून के, वो पहले मैंने फैक्टर्स लिखे, एक एक करके अपन डिस्कस भी करेंगे. पहला है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम.
ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक जेट वर्ड आ गया, जेट स्ट्रीम कहते हैं इसको अपन, तो विल आई बेसिकली डिस्कस व्हाट इज जेट स्ट्रीम, ठीक है, वैसे फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है बट स्टिल आई विल कवर व्हाट इज जेट स्ट्रीम, ठीक है, क्या रखिएगा, जेट स्ट्रीम्स इंडिया में क्या वर्ल्ड में जेट स्ट्रीम्स जो हैं देखा जाए तो कुछ परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती हैं और कुछ टेम्प्ररी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, मतलब लोकल कह सकते हैं आप, तो ये जो मैंने लिखा है ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, याद रखिएगा इट्स अ लोकल जेट स्ट्रीम्स, मतलब परमानेंट नहीं है, पर्टिकुलर किसी टाइम पे फ्लो करती है, परमानेंट नहीं फ्लो करती है, ठीक है, अब ये जेट स्ट्रीम्स क्या है कमिंग लेक्चर में भी आपको समझ में आने वाला है, तो पहला रीजन कुछ मैंने लिखा है ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, सेकंड मैंने रीजन लिखा है इक्वेटोरियल ट्रफ, ठीक है, अब इक्वेटोरियल ट्रफ क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, थर्ड मैंने लिखा है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, ये जो है याद रखिएगा इट्स अ परमानेंट जेट स्ट्रीम, क्या है ये परमानेंट जेट स्ट्रीम है, ठीक है, याद रखिएगा अपने अर्थ में अगर देखा है तो चार परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं, मैं भी उनके नाम आपको अभी आगे बताने वाला हूं, तो याद रखिए उनमें से चार में से वन ऑफ देम इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये भी एक रीजन है, फोर्थ रीजन है अल नीनो एंड इंडियन ओशन डायपोल, तो इसको डिस्कस करेंगे, अल नीनो लानीना शायद आपने सुना भी होगा, इसको डिस्कस करेंगे अपन, इसकी वजह से क्या मॉनसून में इंपैक्ट है, और लास्ट है सोमाली जेट, दैट इज ऑल्सो अ लोकल जेट स्ट्रीम, तो आज जो मुझे डिस्कस करना है मैं इसमें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली डिस्कस कर दूंगा, ट्रॉपिकली इक्वेटोरियल ट्रफ डिस्कस कर दूंगा और सोमाली जेट, क्योंकि दोनों ही लोकली जेट हैं तो उनके बारे में डिस्कस कर देंगे, बाकी अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन मॉनसून के लेक्चर्स के फैक्टर्स, सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले चलिए इसको अपन देख लेते हैं ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है, तो आपको पता होगा जब समर होता है, ठीक है, तो जो सन की मूवमेंट है आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में सन की मूवमेंट है, कैंसर टू कैप्रिकॉन दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सन मूव करता है, जब समर आती है, ठीक है, इंडिया में, जब मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया में समर होता है, ठीक है, तो सन की मैक्सिमम पॉइंट कहाँ तक सन पहुँच सकता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो जब सन नॉर्थ में पहुंचता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो याद रखिएगा नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन इन समर, समर में सन नॉर्थवर्ड मूव करता है, और जब इंडिया में ठंड होती है तो याद रखिएगा सन कहाँ मूव कर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, ये ऑलरेडी आप फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखेंगे वहाँ ये सब बताया गया है, ठीक है, तो नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ सन इन समर, तो क्या होता है एक जब सन जहाँ भी पहुँचता है आप याद रखिएगा इंसुलेशन हीट अप करता है उस एरिया को, जो भी एरिया हीट अप होता है ध्यान रखिएगा हीटिंग की वजह से वो एरिया लो प्रेशर हो जाता है, मतलब मैक्सिमम हीटिंग मैक्सिमम लो प्रेशर, ठीक है, तो सन हीट कर रहा है, तो अभी सन मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, ठीक है, और वो जो हीटिंग करता है वहाँ लो प्रेशर बनता है, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल आप कह सकते हैं बनती है, उसे कहते हैं ITCZ, याद रखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इट्स अ लो प्रेशर बेल्ट, याद रखिए लो प्रेशर सेल है या लो प्रेशर बेल्ट है ITCZ, ठीक है, तो ये बताइए अगर मैंने ये अर्थ बना रखी है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर सन ऊपर मूव कर गया दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो जो ITCZ है जो लो प्रेशर बेल्ट है वो भी मान लीजिए लेट सपोज इक्वेटर के पास पाई जाती है, ठीक है, अब लेकिन सन ऊपर चला गया है तो ITCZ इक्वेटर पे इसलिए थी क्योंकि सन को अपन ने इक्वेटर में कंसीडर किया तो ITCZ लो इक्वेटर में, बट सन के ऊपर मूव करने की वजह से ये ITCZ भी शिफ्ट कर जाती है, किधर शिफ्ट करेगी जिधर सन जाएगा, तो ये किधर शिफ्ट कर जाएगी, ये नॉर्थ साइड शिफ्ट करने लगेगी, ठीक है, तो ITCZ किधर शिफ्ट कर रही है नॉर्थ साइड, तो वही मैंने लिखा नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन इन समर ITCZ दैट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो लो प्रेशर सेल है, ठीक है, इट ऑल्सो शिफ्ट नॉर्थवर्ड, ठीक है, तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गई, ठीक है, फिर एक और एक तो कांड ये हो गया कि नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गई है ITCZ, ठीक है, तो लो प्रेशर किधर बन गया है, अगर देखा जाए तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करने की वजह से पहले लेट अस सपोज ये इक्वेटर था ITCZ इधर थी, ये इक्वेटर है इंडिया आपको बताओ इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है, अब सन कहाँ गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ गया, तो ITCZ इधर से इधर कहाँ गई इंडिया के ऊपर आ गई, ठीक है, आप इतना समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेकंड पॉइंट भी कुछ इसी से रिलेटेड है, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपको पता होगा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ठीक है, तो वो हीट अप कर रहा है इंडिया को, और इंडिया में आपको पता होगा इंडिया के ऊपर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू इसका नाम है तिब्बत प्लेट्यू, वो भी बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ सन ओवर इट, ठीक है, तो उसके से क्या हो रहा है वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप हो गया है, तो आप देख रहे हैं ITCZ भी शिफ्ट है, तिब्बत प्लेट्यू भी हीट अप हो रहा है, तो एक तरीके से देखा है तो इंडिया का मैं डायग्राम बताऊँ तो इंडिया एक लो प्रेशर सेल बन गई है,
इंडिया में बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, लैंड मास बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। देखिए मैंने ये लिखा है तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। तो तिब्बत प्लेट्यू में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया बिकॉज ऑफ द हीटिंग, ठीक है। और यहीं पर अगर अपन देखेंगे नीचे इंडियन ओशन में एक बहुत फेमस आइलैंड है, इसका नाम है मैस्करीन आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सन तो है नहीं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा हाई प्रेशर है। क्या है, हाई प्रेशर, इसलिए अपन इसको मैस्करीन हाई प्रेशर भी कहते हैं। और विंड का एक डायरेक्शन आपको याद रखना है हमेशा, विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, ठीक है। जब तिब्बत के पास पहुंचेगी तो यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप है, ठीक है, हीटअप हो रहा है, तो एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। और जब वार्म हो जाएगी तो एयर क्या करेगी, राइज करेगी, एयर राइज करेगी, फिर इधर साइड शिफ्ट करेगी, देखिए इधर मूव करेगी, और इधर मूव करते करते क्या होगा, ऑफकोर्स यहां बहुत कोल्ड गर्म थी, आगे चल जाते हो धीरे करके क्या हो जाएगी, कोल्ड होती आएगी, मतलब ठंडी होती आएगी धीरे करके, और फिर यहां पर आकर वो डिसेंड कर जाएगी किसमें, मैस्करीन हाई प्रेशर पे। तो आप देख रहे हैं ये एक पूरी एक तरीके से सेल बन गई है, ठीक है। तो ये तो अपन जो देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड लेवल हो गया, और ये ऊपर वाली है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो ऊपर वाली ये जो जा रही है, ध्यान रखिएगा ये वाला जो डायग्राम है, इसी को अपन कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स। और इसी जेट स्ट्रीम का नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, जो याद रखिएगा मैस्करीन हाईलैंड से तिब्बत प्लेटू जा रही है, तिब्बत प्लेटू जो वापस आ रही है इधर साइड, इसको कहते हैं अपन जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स होती क्या है, मैं आपको बता दूं, द अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स जो ऊपर फ्लो करती हैं, ग्राउंड में फ्लो नहीं करती हैं, एट द करीबन 8 से 10-12 किलोमीटर के ऊपर फ्लो करती हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज जेट स्ट्रीम्स। अब एक बात बताइए, जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ये ऊपर जा रही हैं, अगर फिर ये यहाँ पर आई हो, फिर आके यहाँ पर क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, नीचे आ रही है, जब डिसेंड करती है ये, तो ये मैस्करीन हाई प्रेशर है। ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी एरिया में अगर विंड जो है डिसेंड करती है, तो उस एरिया में देखिए दबाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर और क्या हो रहा है, और हाई प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो इसके डिसेंडिंग की वजह से यहाँ पर ये मैस्करीन हाई प्रेशर और ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। इंडिया तो वैसे ही लो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ये हाई प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा ये लो प्रेशर होगा, इनके बीच में जो विंड का डायरेक्शन है वो और क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, मतलब विंड्स और इजिली मूव करेंगी कि नहीं मूव करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिए, इसलिए कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जितनी भी स्ट्रांग होगी, मतलब ये बन रही होंगी, उतना ये डिसेंड होगा, उतना जितना डिसेंड होगा उतना ही हाई प्रेशर होगा, और जितना हाई प्रेशर होगा विंड्स उतनी फास्टली मूव करेंगी। इसका मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया का मानसून कैसा होगा, मतलब इंडिया के मानसून स्ट्रांग होने वाला है कि वीक होने वाला है, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम्स स्ट्रेंथन द मैस्करीन हाई प्रेशर, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स इज द रीजन फॉर आइडेंटिफाइंग कि इंडिया का मानसून कैसे होने वाला है। तो ये अच्छा होना चाहिए, ये जेट स्ट्रीम अच्छी होनी चाहिए, ये जेट स्ट्रीम जितनी अच्छी होगी इंडिया का मानसून उतना अच्छा होगा, ठीक है। आगे आते हैं अपन सेकेंड रीजन में, दैट इज इक्वेटोरियल ट्रफ। ये मैं ऑलरेडी बता दिया, मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ITCZ इक्वेटर में था, अभी मैंने आपको बताया, बट सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पहुंचता है तो ITCZ क्या करता है, वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अराउंड देख रहे हैं आप 20 डिग्री नॉर्थ तक ITCZ आ जाता है, ठीक है। ये इट्स अ लो प्रेशर बेल्ट, ये यहाँ पर आ गया है। तो यार देखिए, समर में मैंने बताया नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन हुआ, ठीक है, उससे क्या हुआ, नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो भी चला गया, और लो प्रेशर सेल कहाँ पर डेवलप हो गई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हो गई। और जितना ज़्यादा ये लो प्रेशर होगा उतना ही ये अट्रैक्ट करेगा मोर मॉनसूनल विंड्स। अभी अपन देख रहे थे ना, ये विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा था, मोर मॉनसूनल विंड्स को अट्रैक्ट करेगा, तो दैट इज नोन एज ये जो डेवलप हुआ है इक्वेटोरियल ट्रफ, मतलब ये लो प्रेशर जो डेवलप हुआ है इंडिया में, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल ट्रफ, ठीक है। और जितना स्ट्रांग होगा उतना ही याद रखिएगा मॉनसून को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसी से एक ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स भी बनती हैं, जो भी अपन ने पढ़ा, दैट्स अ लोकल ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब जो तीसरा रीजन, स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक बता दूं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए देखिए मैंने अगला टॉपिक जो है थोड़ा नोट करके लिख लिया है, दैट इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, याद रखिएगा लार्ज स्केल ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर लार्ज स्केल में मूव करती है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और थर्मल एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। देखिए आपको पता होगा, जो लेट अस सपोज ये मैंने इंडिया अर्थ बना रखी है, तो विंड अगर मान लीजिए पोल से, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बस बना रहा हूँ आपके सामने, कि इक्वेटर के पास आ रही है, तो आप देख रहे हैं या तो इक्वेटर से, फॉर एग्जाम्पल इस साइड से इस साइड जा रही है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, है ना, इसलिए मैं लेक्चर 10 जरूर देखें आप। तो ये जो विंड्स का मूवमेंट है, इससे क्या हो रहा है, कोल्ड एरिया की जो विंड है वो वार्म एरिया में आ रही है, वार्म एरिया की जो विंड है कोल्ड एरिया में जा रही है, इससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है,
मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, थर्मल एनर्जी का, मतलब एज वन ऑफ लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती क्योंकि सन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में ही रहता है, उधर तो सन पहुंच ही नहीं रहा है पोल साइड में। तो क्या होता है, ये जो विंड्स रहती है ना, ये क्या करती हैं, ये थर्मल एनर्जी मतलब जो हीट अप एनर्जी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं बता दूं, इंडिया में जो लाइफ पॉसिबल है और ये थर्मल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, 80% इसमें एयर सर्कुलेशन का रीजन है, मतलब बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या एयर सर्कुलेशन इट इज पॉसिबल। और 20% इसमें ओशन करेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओशन करेंट्स भी क्या करती हैं, याद रखिएगा, वार्म वाटर को कोल्ड एरिया में ले जाती हैं, कोल्ड वाटर वार्म एरिया में आता है, इससे अर्थ का जो टेम्परेचर है याद रखिए वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, लार्ज एयर मूवमेंट ऑफ एयर है, इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो थर्मल एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे अर्थ में, ठीक है, अर्थ में टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ठीक है। इसके फैक्टर्स पूछे जाएं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये विंड्स मूव क्यों करती हैं, एक साइड से दूसरी साइड मूव क्यों कर रही हैं, तो इसका रीजन है इंसुलेशन ऑफ सन, जो सन हीट अप करता है और हीट अप करने की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस बनता है, जो भी मैंने बताया आपको, जहां ज्यादा सन हीट अप करता है वो लो प्रेशर होता है, जहां पर मतलब वार्म एरिया में लो प्रेशर होता है, कोल्ड एरिया में हाई प्रेशर होता है, तो प्रेशर डिफरेंस हो गया। और जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑलवेज व्हाट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये अपन को याद रखना है, जिसकी वजह से विंड मूव करती है। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बना रखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द मूवमेंट ऑफ विंड्स। देखिए ये जो डायग्राम है, दिस इज 0 degree, दिस इज 30 degree नॉर्थ, मतलब मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बना रखा है, सदर्न हेमिस्फीयर का नहीं बनाया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बना रखा है, ठीक है, फ्रंट व्यू बना रखा है। वैसे वरना आप डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं 0 degree, फिर 30 degree, फिर 60 degree और 90 degree, तो मैंने आपको फ्रंट व्यू इसमें बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। तो 0 degree है, 30 degree नॉर्थ है, 60 degree नॉर्थ है और 90 degree नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ पोल है, ये अपन ने देख रखे हैं, ये दैट इज व्हाट, दीज ऑल आर व्हाट, लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सेल फॉर्मेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो भी सेल्स मैं यहाँ बनाऊंगा सिमिलर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं सदर्न हेमिस्फीयर में भी, इसलिए मैं लिख रखा है आइडेंटिकल इन नॉर्दर्न एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैं बना रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर का बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ये 0 degree है, इसको अपन लेते हैं, ये 0 degree है, ठीक है, इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर में क्या होता है, सन रहता है, अभी मैंने बताया था आपको, ज़्यादा इंसुलेशन होता है, ज़्यादा हीटअप होता है ये एरिया, ठीक है। और लेक्चर 10 जरूर देखें आप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इक्वेटर है, यहाँ हीटअप ज़्यादा हो रहा होगा, जब हीटअप ज़्यादा होगा तो यहाँ पर डेवलप क्या हो रही होगी, लो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन गया, लो प्रेशर है 0 degree पर, ठीक है। अब क्या होगा, लो प्रेशर है तो मैंने बताया विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ से विंड यहाँ पर आई, हाई से लो पे, इधर से विंड इधर पे आई, क्योंकि ये ज़्यादा हीटअप है, तो ये अपन क्या मानेंगे, ये हाई प्रेशर है। क्यों हाई प्रेशर है, इसका रीज़न याद रखिएगा कि, चलिए अब इसको हाई प्रेशर अब छोड़िए, पहले इस चीज़ को देखिए, ये इक्वेटर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, हीटअप हो रहा है, तो क्या होगी, विंड गर्म होगी, जब वार्म विंड होगी तो क्या करती है, वो राइज करेगी, उसने राइज किया, ठीक है। राइज करते ध्यान रखिए, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ट्रोपोस्फीयर में ही होगी, ऐसा नहीं राइज करते करते स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाएगी, ये सारा फिनोमेना वेदर फिनोमेना इज एट ट्रोपोस्फीयर। तो ये राइज की, ठीक है, राइज करने के बाद क्या होती है, एज द विंड राइज अप इट बिकम्स कोल्ड, वो कोल्ड होती आती है, ठीक है। तो ऊपर जा रही है, कोल्ड होती गई, फिर यहाँ पर पहुंची, ठीक है। उसके बाद उसने ऑफकोर्स वो दोनों साइड जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, लेकिन अभी मैंने डायग्राम ध्यान रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बना रखा है, ठीक है। तो इस साइड विंड गई, ठीक है, फिर इस साइड आते आते ऑफकोर्स इधर तो वार्म थी, अभी मैंने बताया आपको, मतलब कंपेयर टू यहाँ वार्म थी, ऊपर गई ठंडी हुई, लेकिन कंपेयर टू इधर जब इधर मूव करेगी तो इधर और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और इधर आकर वो क्या कर देगी, डिसेंड कर जाएगी, और डिसेंड कहाँ कर रही है, 30 degree नॉर्थ पे। और जब यहाँ पे डिसेंड कर रही है तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या डिसेंडिंग होती है, मैंने भी आपको बताया जब विंड कहीं पर डिसेंड होती है वहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर। तो यहाँ हाई प्रेशर बन गया, और फिर ये सर्कल देखिए, वापस ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है, ये वापस इधर चल जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये एक सेल डेवलप कर दिया मैंने, इस सेल को कहते हैं अपन हेडलेस सेल, व्हाट वी कॉल देम, हेडलेस सेल, बिकॉज साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था इस सेल को उसको कहते हैं हेडले, जॉर्ज हेडले नाम था, इसलिए उसको हेडलेस सेल कहते हैं। अब मैं आता हूँ थर्ड सेल में, ठीक है। अब बताइए 90 degree नॉर्थ की बात, पोल नॉर्थ पोल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे तो सन पहुँचता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हीटअप होगा क्या, ये तो हीटअप ही नहीं होगा, या इंसुलेशन ही बहुत कम होगी, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ वुड बी हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर है तो इसका मतलब विंड यहाँ की ओर आएगी कि जाएगी, निकलेगी, यहाँ से विंड निकली, ठीक है, 60 degree तक पहुँची, ठीक है। कंपेयर टू दिस ये क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। फिर क्या हुआ, विंड यहाँ पर पहुंची, लो प्रेशर, तो यहाँ पे हीट अप, मतलब कंपेयर टू दिस यहाँ पर क्या होगा, विंड राइज करेगी,
ठीक है, राइज की और फिर उसके बाद देख रहे हैं आप इधर मूव करके और इधर वापस डिसेंड कर गई, ठीक है। तो ये जो सेल बनी है इसे अपन कहते हैं पोलर सेल, व्हाट वी कॉल देम, पोलर सेल। अब एक बात आप देख रहे होंगे यहां पर, अब देखिए पोलर सेल बन गई, ठीक है। अब ये जो नीचे विंड जा रही थी ना 90 नॉर्थ पोल से, दैट इज 60 डिग्री पे नॉर्थ पे जा रही थी, ये जो नीचे आई इसको कहते हैं पोलर ईस्टर्ली विंड्स, व्हाट वी कॉल देम, पोलर ईस्टर्ली विंड। और ऐसे ही जो 30 डिग्री नॉर्थ से जा रही थी 0 डिग्री इक्वेटर पे, इसको अपन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। तो इनके नाम नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दिस इज पोलर ईस्टर्ली, ठीक है। अब ये दोनों को तो अपने बना दिया, इसको अपन पोलर सेल कह दिया, इसको अपन ने हेडलेस सेल कह दिया, ठीक है। अब देखिए दिस इज लो प्रेशर, अभी मैंने बताया आपको, दिस इज हाई प्रेशर, ठीक है। तो विंड कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई से लो, तो विंड यहां से यहां फ्लो की, यहां पर आई तो यहां पर राइज करेगी, मैंने अभी बताया जहां पर लो प्रेशर होता है विंड वहां राइज करती है, विंड वहां पर राइज की फिर इधर मूव की और फिर आके इधर डिसेंड कर गई। इस सेल को अपन कहते हैं फेरल सेल, व्हाट वी कॉल देम, फेरल, क्योंकि साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था उसको कहते हैं फेरल। अब ये जो नीचे विंड फ्लो कर रही है ये वाले 30 डिग्री हाई प्रेशर, दैट इज नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ लो प्रेशर पे, इस विंड को कहते हैं वेस्टर्ली विंड्स, व्हाट वी कॉल देम, वेस्टर्ली विंड्स। तो आप देख रहे हैं यहां पे तीन विंड के मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। अब खास बात यह है, जो ये वाला था दैट इज पोलर सेल और हेडलेस सेल की बात करूं मैं आपके सामने, ठीक है। तो ऊपर आते हैं अपन, देखिए जो पोलर और हेडलेस सेल है इसको अपन थर्मल सेल कहते हैं। क्यों थर्मल सेल कह रहे हैं, क्योंकि मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट, इंसुलेशन की वजह से मैंने रीजंस बनाए हैं आपको कि भाई यहां पर हीटअप ज्यादा था यहां पर, इसलिए यहां पर डेवलप हुआ लो प्रेशर, और यहां हाई प्रेशर से डेवलप हुआ क्योंकि यहां पर क्या था, मैंने अभी आपको बताया दैट इज हीटअप यहां पर कम था, मतलब सन पहुंचा ही नहीं था तो हाई प्रेशर था। तो ये थर्मल रीजंस की वजह से बनी है हेडले और पोलर सेल। जबकि फेरल सेल की बात करूं तो याद रखिएगा वो मैकेनिकल सेल है। मैकेनिकल सेल कहने की मतलब ये हुआ कि वो हीटअप की वजह से नहीं बनी है, हीटअप उसका रीजन नहीं है। उसका रीजन यहां पर देखिए, ये विंड जो डिसेंड कर रही थी ना यहां पर, जब ये वाली सेल बनाई थी तो विंड यहां डिसेंड कर रही थी तो उसकी वजह से यहां पर हाई प्रेशर बना था, ठीक है। और यहां पर जब विंड पहुंची तो विंड ऊपर एसेंड कर रही, जो ऊपर जा रही थी उसकी वजह से यहां लो प्रेशर बना है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये वाला हाई प्रेशर ये वाला लो प्रेशर तो बना है ऑफकोर्स किसकी वजह से, दैट इज ऑफ हीटिंग। बट 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ का जो लो प्रेशर हाई प्रेशर है ये नॉट बिकॉज ऑफ हीटिंग, बिकॉज ऑफ दिस डिसेंडिंग हाई प्रेशर, दिस बिकॉज ऑफ विंड ऊपर जा रही है असेंडिंग, दैट्स व्हाई इट हैज बीन फॉर्म। इसलिए फेरल सेल को अपन मैकेनिकल सेल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैंने एक बेसिक डायग्राम बताया है, ये वैसे आप लेक्चर 10 देखेंगे तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा डायग्राम, ठीक है, और रीजंस आपको पता भी चल जाएंगे, ठीक है। और अगला आगे बढ़ते हैं अपन, एक मुझे टॉपिक बताना था आपको, जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, बार बार जेट स्ट्रीम्स का नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स क्या है, ठीक है, और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे मैं इनका यूज करने वाला हूं, ठीक है। आगे के जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट टू, तो उसमें इसका यूज करना है मुझे, इसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। अब जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया, जो विंड्स अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो करती हैं, ठीक, उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम्स, जो ऊपर फ्लो करती हैं। तो याद रखिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, दे फ्लो इन हायर पार्ट ऑफ एटमोसफियर, मैंने अभी बताया 8 से 11 किलोमीटर, ठीक है। फिर उनकी स्पीड अराउंड रहती है 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और याद रखिए ट्रोपोपॉज में फ्लो करती है, किधर फ्लो करती है, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज ऐसा एरिया है जहाँ ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर याद रखिए जहाँ मिलते हैं उससे पहले जो एरिया पड़ता है उसे कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो वहीं पर ये फ्लो करती हैं, तो वहीं पर एयरक्राफ्ट भी चलते हैं, तो एयरक्राफ्ट को हेल्प कर देती हैं, जैसे जिस डायरेक्शन में वेसली चली उस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट चलेगा तो फ्यूल भी बचेगा अपना, तो इट हेल्प्स द एयरक्राफ्ट ऑल्सो, प्लस शेपिंग द वेदर पैटर्न, वेदर पैटर्न अभी मैंने आपको बताया उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनका डायरेक्शन जनरली मैं आपको बता दूं, ठीक है, इट इज वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिए कहां से कहां डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी तो याद रखना है, बाकी फिजिकल ज्योग्राफी में बताएंगे वेस्ट टू ईस्ट क्यों फ्लो करती है, अभी आप याद रख लीजिए, ठीक है। कहां फाउंड होती है, ट्रोपोपॉज में, मैंने अभी आपको बताया। और याद रखिएगा एक खास पॉइंट है, जंक्शन ऑफ सेल, ठीक है, वहां पर ये मिलती है। जंक्शन ऑफ सेल कहने का मतलब देखिए, हेडलेस सेल और फेरल सेल का जंक्शन क्या था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पोलर सेल और फेरल सेल का मिलने वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, यहीं पर जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, यहां पर जो जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, याद रखिएगा ईस्ट कहां से कहां है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। मतलब अगर मैं अर्थ का ऐसे आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो याद रखिएगा ऐसे जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाली जो ए वाली है इसको अपन कहते हैं जेट स्ट्रीम्स को सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, याद रखिएगा। और जो जेट स्ट्रीम बी में है इसको अपन कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम।
तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दो जेट स्ट्रीम हो गई, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में दो जेट स्ट्रीम है, दैट इज पोलर जेट स्ट्रीम्स और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न, तो रोल कितनी हो गई, चार, दीज फोर आर द परमानेंट जेट स्ट्रीम्स, ये आपको याद रखना है, बाकी जितने भी जेट स्ट्रीम्स हैं दे आर लोकल जेट स्ट्रीम्स, मतलब कुछ टाइम के लिए ही फ्लो करती हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको इतना बेसिक याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन सोमाली जेट स्ट्रीम में, जो इसका थर्ड रीजन है मॉनसून आने का इंडिया में, ठीक है, तो याद रखिए सोमाली जेट स्ट्रीम एक मैंने बताया लोकल है, ये सिर्फ समर के टाइम पे ही फ्लो करती है, ठीक है, ये देखिए ये इंडिया है, ठीक है, तो क्या होता है ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती है, देखिए आप देख रहे हैं मॉरिशस से आ रही है और ये हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका के साइड सोमालिया कंट्री है वहां तक जाती है, फिर ये डिवाइड हो जाती है और एक पार्ट इसका इंडिया की ओर मूव कर जाता है, ठीक है, इसी जेट स्ट्रीम को आप कहते हैं सोमाली जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये ज्यादा हाइट पे नहीं फ्लो करती है जितनी नॉर्मली जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, तो ये फ्लो करती है और ये क्या करती है इंडियन मॉनसून को, याद रखिएगा, इंडिया में लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि ये पुशेस द मॉनसून टूवर्ड्स इंडिया, ये इंडियन मॉनसून इस साइड से ही आ रहा है तो उसको ये और स्ट्रांगली आने में हेल्प करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर मैंने अभी आपको तीन रीजन डिस्कस कर लिए हैं, अभी अपना फोर्थ रीजन बचा हुआ है, दैट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो परमानेंट जेट स्ट्रीम है, और अपन लास्ट अल नीनो इंडियन ओशन डायपोल भी डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो मॉनसून है और बेटर क्लियर हो जाएगा, यहाँ मैंने बेसिक जेट स्ट्रीम्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बताया है, बाकी आप लेक्चर 10 देख लें तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थैंक यू।